भूखे को अन्न प्यासे को पानी, जय जय बाबा बर्फानी, जय श्री अमरनाथ, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो दोस्तों इन जयकारों के साथ आपकी श्री अमरनाथ यात्रा 2024 होने वाली है। तो आप सभी को बता दूं कि भाई अमरनाथ यात्रा 2024 फाइनली 29 जून से और 19 अगस्त तक चलने वाली है। इसको इस बीच हजारों लाखों भक्त हैं जो हैं वो कि बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करने वाले हैं। तो गाइस दर्शन करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें दर्शन करेंगे, लेकिन दर्शन के साथ साथ आपको थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने आप को सतर्क रखना पड़ेगा, क्योंकि गाइस यात्रा कोई हो, अमरनाथ यात्रा हो, वैष्णो देवी यात्रा हो, केदारनाथ यात्रा हो, सब जगह फ्रॉडर्स बैठे होते हैं, सब जगह ऐसे लोग बैठे होते हैं जो आपको भगवान के नाम पे धोखा देते हैं, आपको छल लेते हैं, ठीक है, आपकी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, जिससे कि भाई आपका भी भगवान के ऊपर से मन उठता है और आपको भी लगता है कि सब जगह बेईमानी चल रही है। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यात्रा में कौन कौन से आपके साथ फ्रॉड हो सकते हैं अमरनाथ यात्रा में, जिनसे आपको बचना चाहिए। तो ये वीडियो गाइज सिर्फ 4 से 5 मिनट की होगी, जो कि आपको 4 से 5 मिनट आपको देंगे तो भाई अपनी यात्रा को अपना सुखद भी बना सकते हैं। तो गाइज मैं हूं आपका दोस्त शैलेंद्र, श्री अमरनाथ यात्रा 2024 से रिलेटिव आप लोगों के लिए अपडेट लाता रहता हूं। और आज की जो वीडियो है ये भी आपके लिए एक और लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि आपको शायद इसने अभी तक यूट्यूब पे ये बात किसी ने ना बताई हो जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। इस साल फिर मैं आपके साथ अमरनाथ यात्रा 2024 में भी जाने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनना है, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने यार दोस्तों ग्रुप के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपको 2024 की यात्रा में इतनी सी भी दिक्कत समस्या ना हो। तो गाइज क्या क्या वो दिक्कत समस्या हो सकती हैं मैं आपको बाय वन बाय बताऊंगा, तो हो सकता है एक आपके साथ भी इनमें से एक हो। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो गाइज सबसे पहला अपडेट देखिए क्या है। सबसे पहली दिक्कत समस्या ये रहती है, अभी तक आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पर देखा होगा कि भाई अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग चालू हो गई है। आपने इंस्टाग्राम देखा होगा, यूट्यूब पर भी देखा होगा कि बहुत सारे आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं और उसमें दिखाते हैं कि बुकिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें, नंबर दे रखे होते हैं। तो उसमें से क्या कई सारे भक्तों जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी बुकिंग के लिए उनसे पेमेंट का डिमांड किया जाता है और लोग उनको पेमेंट कर भी देते हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूँ, देखिए अभी अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन फाइनली जो है वो हेलीकॉप्टर बुकिंग वाले नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक बुकिंग खुली नहीं है। जब तक साइन बोर्ड की वेबसाइट पे बुकिंग ना खुले, आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए किसी से भी कांटेक्ट ना करें, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो पैसा आपका गया पानी में अगर आपने कॉन्टैक्ट किया या आप लोग ये, क्योंकि उसमें कई भक्त ये सोचते हैं कि भैया मेरी जल्दी बुकिंग हो जाए और मुझे पहले दर्शन करने को मिल जाए, ठीक है ना। तो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और सेकंड चीज़ बता दूं कि अमरनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सिर्फ आपका मेडिकल लगेगा। तो अपना मेडिकल करवा लीजिए, मेडिकल ही आपको जैसे बुकिंग ओपन होगी उसमें लिंक खुल जाएगा आपको, उसमें अपना मेडिकल आपका अपलोड होगा और उसके साथ ही आप यात्रा कर सकते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर वाले भक्तों के लिए है। सेकेंड चीज़ जो है गाइज वो ये है कि भाई बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हैं कि भाई होटल आपकी होटल बुकिंग करवा लीजिए या अपना टेंट बुक करवा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा आपको जब अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे तो इतनी सारी भीड़ होगी कि आपको होटल नहीं मिलेगा, टेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गाइज ऐसी कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली है। मैं आपको बता दूँ कि अमरनाथ यात्रा में बालटार और पहलगाँव मार्ग दो जगह से यात्रा होती है और दोनों तरफ से 5,000 लोगों के लिए मतलब कि डेली का इंतजाम किया जाता है जो लोग अपनी यात्रा चालू करेंगे। तो उस यात्रा पे देखिए होटल हो या टेंट हो, आपकी कोई आपको कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होने वाली। 200-200 रुपये में आपको टेंट मिल जाएंगे, 150-150 रुपये में, और होटल के लिए आपको मतलब भीड़ के ऊपर डिपेंड करता है, कभी भाई आपको 500 रुपये पर पर्सन लग सकता है, 1,000 रुपये पर पर्सन भी लग सकता है, इतना ही लगेगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। तो आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं कि इससे रिलेटिव भी आपकी वहाँ पे कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली। तो भाई अगर आपको किसी ने बोला है या आपने किसी सोशल मीडिया ऐप पे देख लिया है कि भैया होटल एडवांस बुक कर लो, क्योंकि जो भक्त पहली बार जाते हैं उनको यही लगता है कि भाई दिक्कत समस्या हो तो अभी से होटल बुक कर लो, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो सकता है भाई, अगर आपका होटल बुक भी जाए तो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लग जाए, ठीक है, मतलब 4,000-5,000 रुपये लग जाए। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचना है, आप वहाँ जाके होटल ले लीजिएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। अब गाइस अपनी बात करते हैं तीसरी चीज़ की कि गाइस कोई सी भी यात्रा हो, देखिए वैष्णो माता हमने यात्रा में भी देखा और अमरनाथ यात्रा में भी ये चीज़ देखी कि भाई मांगने वाले लोग मतलब कि कैसे मांगेंगे आपसे, मैं आपको बताता हूँ। आप बिल्कुल साफ सुथरे नए कपड़े पहन के, आपको भी ऐसा लगेगा कि वो लोग यात्री हैं और भाई वाकई में इनके साथ कोई दिक्कत समस्या हो गई है, क्योंकि वो लोग आपसे फाइनली बोलेंगे कि अभी हम यात्रा करने आए थे और हमारा वहाँ बैग चला गया और मोबाइल छिन गया
ठीक है, इसके साथ साथ में भाई हमारा जो था सब कुछ चला गया, एटीएम एटीएम पर्स वर्स कुछ भी नहीं बचा है, तो प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा जिससे कि हम अपने घर तक चले जाएं। और आप लोगों को ये और बता दें कि भैया मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं महाराष्ट्र से, राजस्थान से, कोलकाता से, मैं कहाँ से आया हूँ, ये भी आपको सबको डिटेल बता देंगे। तो इसमें भाई कई सारे भक्त होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के भक्त भी भोले होते हैं, उन लोगों को लगता है बाकी में यार बहुत सारी दिक्कत समस्या, तो इनकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। तो आप लोगों को बता दूँ इस चीज़ से आपको बोलो बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, और किसी को आपको एक रुपये भी नहीं देना अगर आपको कोई भी ऐसा मिलता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी मिलता है उनको सीधा बस यही बोलना है कि भैया जाइए जो आपके साइन ट्रस्ट के जो ऑफिस बने हुए वहाँ जाके कॉन्टेक्ट कर लिए, वो आपकी हेल्प जरूर कर देंगे और आपको घर तक पहुँचा देंगे, ठीक है ना। तो लेकिन किसी को भी एक रुपये नहीं देना है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है, ये भी आपकी अमरनाथ यात्रा में बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। और गाइस चौथा रीज़न एक और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो गाइज ये अपडेट इसलिए खास है क्योंकि अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए सबसे ज़्यादा तो लोग यूज़ करेंगे वही गाड़ियों का यूज़ करेंगे, मतलब शेयरिंग टैक्सी का बुक का यूज़ करेंगे, शेयरिंग बस का यूज़ करेंगे। तो उस चीज़ में आपको याद रखना है थोड़ा सा, जो लोग जम्मू रेलवे स्टेशन से जाएंगे, जो लोग बस स्टैंड से डायरेक्टली जा रहे हैं, या जो लोग अपनी भाई पर्सनल को टेम्पो ट्रैवल बुक करके जा रहे हैं, शेयरिंग में से 10-15 लोग दर्शन करते हैं या कोई लोग शेयरिंग में चलाते हैं, तो आप उन टेम्पो ट्रैवल वालों से ये जरूर कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर आप बालटाल के लिए जा रहे हैं या पहलगाम के लिए जा रहे हैं कि भैया पहलगाम के ही बस स्टैंड पर उतरना है हमको, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि भाई देखिए बहुत सारे लोग पहली बार यात्रा करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि वो लोग आपको बीच में उतार के चले जाते हैं या बोलते हैं भैया यहीं तक ही होगी, क्योंकि आप अदर स्टेट से आए हुए हैं भाई, आप लोगों को नहीं वहाँ पे सुनेगा और आप लोगों को पता नहीं होगा कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं। तो उनसे ये जरूर कंफर्म करिए भैया बालटाल का क्या है और पहलगाम का है, वहीं पर ही जाएंगे, ठीक है। तो गाइज उसके लिए आपको एक चीज़ और याद रखना, अपनी लोकेशन जरूर आपको खोल के रखना है, ठीक है। बालटाल में अगर आप जा रहे हैं या अपना पहलगाम जा रहे हैं तो पहलगाम की देखिए पहलगाम का जो बस स्टैंड है ना वो पहलगाम के अंदर ही है, ठीक है। तो पहलगाम बाकायदा जाइएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, देखिए शेयरिंग में होगा अगर आप पूरा ग्रुप है तो दो लोग आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों को जो हमारे पास अपडेट आया कि भाई बहुत सारे लोगों को ना बीच में उतार देते हैं, किसी को भाई अनंतनाग से पहले उतार दिया, किसी को क्या कहते हैं कि भाई जो बालटाल जाने वाले हैं बालटाल में ही उतार दिया, बोले यहाँ से बस पास में जाइएगा चले जाइएगा और वो अपनी बस लेके चले जाते हैं। तो भाई इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा अगर आप भी अमरनाथ यात्रा 2024 पे जा रहे हैं। तो गाइज ये चार अपडेट थे जो कि यात्रा में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो भाई इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप भी बाबा अमरनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, ताकि भाई आपकी यात्रा सुखद दो। और मेरी कामना यही था कि भाई आपकी यात्रा सुखद दो, आपकी यात्रा में किसी भी दिक्कत समस्या ना हो। तो जिन दोस्तों के साथ आप ग्रुप में जा रहे हैं, अपने परिवार फ्रेंड जिनके साथ भी जा रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको अमरनाथ यात्रा 2024 में इतनी सी भी दिक्कत समस्या ना हो। बाकी मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत।